तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करेंगे। नंबर वन है ब्रॉडकास्ट, नंबर टू है प्रोडक्ट्स और नंबर थ्री है पेंडिंग फाउंडर पोजीशन। तो वीडियो को प्लीज आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है और आपके जितने भी फाउंडर हैं उनको ये जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए नंबर वन हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की। तो लास्ट अपडेट में जैसे आपने माइकल विलियम सर को सुना होगा, उन्होंने एक यहाँ पे बात की थी ब्रॉडकास्ट की। और ब्रॉडकास्ट क्या है थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए जैसे आप माय टीम में जाएंगे, माय टीम में जाने के बाद में एक ऑप्शन आता है ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट पे आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है। जैसे ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी को भी जो है ऐसे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आप वन टाइम में, मतलब आपने कोई जैसा कोई मैसेज किया हेलो हाय का जो भी मैसेज किया, वन टाइम में एक साथ में बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच जाता है। उसमें आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि सबको अलग अलग वो चला जाएगा उसी के ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया एक चीज होती है ब्रॉडकास्ट। आपने शायद व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट का कभी यूज किया हो तो आप इस चीज को जानते होंगे। लेकिन जो हमारा माय टीम के ऑप्शन में ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आएगा उसमें जैसे आप कोई मैसेज करते हैं तो आप अपनी टीम की, जैसे मान के चलिए आपकी 100 की टीम है, 50 की टीम है, 1000 की टीम है, 10 की टीम है, 5 की है, जो भी है, और उसको आप आसानी से आपके जरिए आपने कोई एक मैसेज किया तो सबको एक साथ में वो अलग अलग उसमें पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। लेकिन आप यहाँ पे ये मत बोलना कि यार भाई मेरी टीम नहीं है मैं किसको ब्रॉडकास्ट करूंगा, तो जरूरी नहीं है। ये उनके लिए जिनकी टीम है, तो उनको कोई आप मैसेज करना चाहते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वन टाइम में आप एक साथ काफी सारे लोगों को दे सकते हैं। ये बहुत ही बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है जो एक अच्छा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगा इसमें। देखिए इसमें एक चीज का और ध्यान करना है कि आप जैसे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जैसे मनी से रिलेटेड डॉलर बना दिए, रुपए की बात कर रहे हैं और इस टाइप की चीजें आपको बिल्कुल यहां पर नहीं करनी। वहां पर क्या नहीं कर रहे हैं वो नीचे आप देखेंगे, वहां पे सिंबल दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उस चीज को आप देखिएगा। वो चीजें बिल्कुल मत शेयर कीजिए, मतलब ये मिसलीड करने वाली चीजें मत शेयर करना उनमें, बिल्कुल भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये आम ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये हमारे ओ फाउंडर का ब्रॉडकास्ट है। तो इसका इस्तेमाल करें, इसका सही यूज करें, राइट। दूसरी बात यहां पर आती है, वो आता है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के। प्रोडक्ट को लेकर के जो है बहुत ज्यादा लोगों के मन में अब सवाल आए जा रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट की लॉन्च होने वाली थी 19 तारीख में, ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा और बहुत सारी चीजें जो हैं लॉन्च होंगी तो उनका क्या हुआ। तो कई लोग जो है मेल भी कर दे रहे हैं, जो आप जाएंगे सपोर्ट में जाकर के जो है सपोर्ट टीम से भी पूछते हैं तो वहां से भी आपको ये जवाब आएगा कि देखिए आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर सके अगस्त के मंथ में। तो डेट आगे पीछे होती है कोई प्रोडक्ट को लेकर के, या कुछ भी आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, तो बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि यहां पर बात पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, यहां पर बात हो रही है पूरी लाइफ टाइम के लिए, राइट। तो डेट अगर आगे पीछे होती कुछ होता है तो बिल्कुल आप पैनिक मत होइए, प्रोडक्ट आएंगे ही आएंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। आगे पीछे डेट होती है तो बिल्कुल आप इस बात की चिंता मत करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हम यहाँ पर लाइफ टाइम जर्नी के लिए आए हैं। ऑन पैसिव एक लाइफ टाइम जर्नी है और इसके लिए थोड़ा डेट आगे पीछे हो प्रोडक्ट को लेकर के तो चिंता बिल्कुल मत करिए। तीसरी बात यहाँ पे आती है वो है पेंडिंग फाउंडर पोजीशन। और कई लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भी किए और भी लोगों ने देखा है कि जो कुछ पेंडिंग पोजीशन है उनकी जो है जो रजिस्ट्रेशन किए हुए थे वो पेंडिंग फाउंडर पोजीशन उनकी हट गई है वहां से, मतलब जो पेंडिंग फाउंडर है वो हटते जा रहे हैं। देखिए इसकी कोई फाइनल डेट नहीं है कि पूरे पेंडिंग फाउंडर जो है वो कब तक हट जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो डैशबोर्ड में चेंज होता जा रहा है पेंडिंग फाउंडर पोजीशन, तो कहीं ना कहीं वो घटते भी जा रहा है। तो आप पेंडिंग फाउंडर पोजीशन है फिर वो आपको डबल से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहे हैं। और फिर से मैं बोलूंगा कि देखिए मैंने अपना जीमेल आईडी दे रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहां मुझसे ले सकते हैं, और आपको पेंडिंग फाउंडर पोजीशन चाहिए तो मेरे पास भी अवेलेबल है, ये तो मैं बिल्कुल बोलूंगा और हर बार बोलूंगा। क्योंकि देखिए आप कहां जा रहे हैं, किसकी टीम में जा रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है, आपको जहां से भी पेंडिंग फाउंडर पोजीशन मिल जाए उसको ले लीजिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम जर्नी है, ये मौका आपको डबल से कभी मिलने वाला नहीं है। तो वहां पर आप अपना जो मैंने जीमेल आईडी दे रखा है वहां पे अपने सारी डिटेल, जो आपका नाम, मोबाइल नंबर और जो जीमेल आईडी है वो फ्रेश वाली जीमेल आईडी वो डाल दीजिए, और फाइंडिंग फाउंडर पोजीशन अभी जितनी मेरे पास अवेलेबल है आप मुझसे ले सकते हैं। अदरवाइज जहां कहीं से भी आपको मिल जाए आप पेंडिंग फाउंडर पोजीशन ले सकते हैं, और अपने जो लोग अभी तक एंटर नहीं कर पाए उन पैसे में उनको ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती लाएं, जिसके समझ में आया है ऑन पैसिव उसी को यहां पर एंटर करें और इस प्रोसेस को जो है एंजॉय कीजिए, क्योंकि अपडेट्स काफी
काफी सारी आ रही हैं और बैक ऑफिस को लगातार आप चेक करते रहिए।